आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का उत्थपम रेसिपी। सूजी का एक हेल्दी नाश्ता का रेसिपी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही नरम है। नमस्कार, मैं संयुक्ता, कुकिंग फैटी चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर देना और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो चलिए देख लेते हैं सूजी का ये हेल्दी नाश्ता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप सूजी और इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप पोहा। नॉर्मल जो पोहा हम घर में यूज करते हैं वही पोहा है, वो हम डाल देंगे। और हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। अब इसमें हम डाल देंगे करीब करीब 1/2 कप इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता का रेसिपी है। जब भी आपको रोटी सब्जी या पराठा खाने का मन ना हो, कुछ अलग खाने का मन हो और हेल्दी भी खाना हो, तो ये बना के आप खा सकते हो। अब हम इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और अच्छे से मिक्स करके इसे एक साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। करीब करीब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ऐसे ही। तब तक हम इसका ऊपर वाला टॉपिंग बना लेते हैं। इसके लिए 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज और 1/2 कप इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ वो डालेंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम जीरा पाउडर और हम इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर और डालेंगे इसमें सांबर मसाला। मसाला को हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर गाजर शिमला मिर्च ना हो, सिर्फ टमाटर प्याज हरा धनिया के साथ अच्छे से और बाकी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके ये भी टॉपिंग आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो। अगर सांभर मसाला ना हो, सिर्फ जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल के भी आप बना सकते हो। अब चलिए इसका चटनी बना लेते हैं। इसके लिए 1/2 कप मैंने फ्रेश नारियल लिया है और 2 टेबल स्पून करीब भुना हुआ चना लिया है और इसमें डाल देंगे 2 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च और इसमें डाल देंगे हम जीरा 1/4 स्पून और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा करीब 1/4 कप हम पानी इसमें डाल देंगे और इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। उत्थपम के साथ ये चटनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए चटनी रेडी है। उसके लिए ऊपर के लिए तड़का के लिए एक तड़का पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून हम तेल और उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड सरसों का दाना और डाल देंगे 1/4 टीस्पून साबुत जीरा और एक सूखी हुई लाल मिर्च तोड़े हुए वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से पका के गर्म करके उसके बाद हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। लीजिए हमारा चटनी रेडी है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है इस चटनी के साथ उत्थपम खाने में। अब एक डोसा तवा लेंगे, उसमें आप पैन में भी इसको बना सकते हो। उसे अच्छे से हम इसे तेल लगा लेंगे और आँच को आप मीडियम पर रखना और इस तरीके से हम बैटर थोड़ा डाल देंगे। उसके बाद हम जो ऊपर का टॉपिंग तैयार किया था वो हम डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही इसमें टॉपिंग डालना तो अभी खाने में अच्छा लगता है।
तो चलिए इसको ढक देते हैं, और ढक के हम 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे। आँच को आप मीडियम पर ही रखना, फिर 2 से 3 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे। और इसे हम दूसरे साइड में पलटा देंगे ताकि दूसरे साइड में हमारा अच्छे से पक जाए। बहुत ही कम तेल में बनता है। इस टाइम आप तेल यूज कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। अगर देना चाहते हो तो 1 टीस्पून तेल आप डाल सकते हो, कि 1 टीस्पून के हाफ टी स्पून तेल इस तरीके से डाल सकते हो। ये दूसरा साइड भी हमारा अच्छे से पक चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसे, तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। 1 कप सूजी में करीब करीब मेरा 6 से 7 इस टाइप साइज का उत्तपम बना है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देना। तो चलिए इसको प्लेट में निकल के जो चटनी हमने बनाया था, चटनी का साथ इसके सर्व कर लेते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर देना, और फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।